नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PS कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, यदि आप एक CSE फेल हैं अर्थात कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आपके लिए CSE ने एक बहुत बड़ा नोटिस भेजा है जिसे जानना अति आवश्यक है। यदि नहीं जानते हैं तो आपकी ID पर खतरा हो सकता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि CSE ने सभी फेल भाइयों के लिए कौन सा नोटिस भेजा है। लेकिन इससे पहले, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से CSE की पल पल की खबरें मिलती रहती हैं। तो जो भी सरकारी योजना होता है उसके बारे में सबसे पहले आपको जानकारी मिलता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि CSE ने कौन सा नोटिस भेजा है VLE भाइयों के लिए। दोस्तों, इस नोटिस को जानने के लिए हम लोग आ जाते हैं ट्विटर पर, और ट्विटर पर दिनेश त्यागी सर ने ट्वीट किया, उसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा ट्विटर है, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ और हम लोग आ जाते हैं दिनेश त्यागी सर के ट्विटर हैंडल पे आते हैं। ये हो गया आपका दिनेश त्यागी सर का ट्विटर हैंडल। इसमें हम लोग नीचे आते हैं तो आपको मिलेगा, उन्होंने एक ट्वीट किया है, यहाँ आप देख सकते हैं। उन्होंने ट्वीट किया है अटेंशन VLE, इसको ओपन कर लेते हैं। लिखे उन्होंने अटेंशन VLE, इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल VLEs टू रजिस्टर फॉर IRCTC एजेंट कोड। उन्होंने बताया कि यह सभी VLE के लिए मैंडेटरी है कि वे IRCTC एजेंट कोड के लिए रजिस्ट्रेशन करें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन करने का यहाँ तरीका बताया गया है। यदि मैं आपको बता दूँ कि यदि आप VLE हैं तो आप जरूर IRCTC एजेंट कोड के लिए रजिस्ट्रेशन कर लें, क्योंकि एजेंट कोड ले लेने के बाद आप टिकट से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आपको ही इसमें बेनिफिट है, और सभी VLE को एजेंट कोड के लिए रजिस्टर करना अनिवार्य है। और कैसे करेंगे उस सब प्रोसेस इसमें बताया गया है। यहाँ दिया गया, टू रजिस्टर प्लीज़ फॉलो दीज स्टेप, रजिस्ट्रेशन के लिए इन स्टेप का पालन किया जाए। सबसे पहला, लॉग इन टू डिजिटल सेवा पोर्टल, आप लॉग इन कर लें। दूसरा दिया, गो टू ट्रेवल सेक्शन एंड क्लिक ऑन IRCTC रजिस्ट्रेशन। और तीसरा स्टेप है, रजिस्टर फॉर IRCTC एजेंट कोड विथ यूनिक डिटेल्स, कुछ वहाँ डिटेल्स भरना होगा और रजिस्ट्रेशन करना होगा। VLE हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर IRCTC एजेंट कोड कैन चेक स्टेटस फॉर, इतना वेबसाइट दिया गया है, एंड अपडेट अप्लीकेशन इफ रिक्वेस्टेड। यहाँ कहा गया, यदि कोई VLE पहले से ही IRCTC के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो वे अपना स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ जो वेबसाइट दिया गया है इस पर जाएंगे और चेक कर लेंगे, और अपने अप्लीकेशन को अपडेट कर देंगे यदि वहाँ रिक्वेस्ट किया गया होगा तो। इसका दिया गया है, प्लीज़ नोट एजेंट कोड विल बी इशूड इमीडिएटली इफ करेक्ट डिटेल्स आर अपलोडेड। यानी कहा जा रहा है, यदि आप डिटेल्स करेक्ट देते हैं तो आपका जो एजेंट कोड है बहुत जल्द इमीडिएटली तत्काल मिल जाएगा, और कोई गलती होता है तो तत्काल आपको नहीं दिया जाएगा एजेंट कोड। तो ये सभी VLE के लिए डिमांड है कि वे IRCTC एजेंट कोड के लिए अप्लाई करें और ये कोड लें तथा टिकट बनाएं। यही सूचना था। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय VLE साथियों।